हेलो, आज हम आए हैं आरएमएस इंजीनियर्स में और आज हम देखने वाले हैं कि कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज़ होने वाली मंकी क्रेन जो है उनको कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जो है मशीन का वेट चेक करते हैं कि ये मिनी क्रेन का वज़न कितना रहता है। यह S4630 का मॉडल क्रॉसबी ब्रांड जिनका वज़न रहता है 28 kg। ठीक है भैया, स्टैंड का वज़न कितना होगा? और स्टैंड का वजन है 50 kg। अभी देखेंगे कि इनको इंस्टॉल कैसे करते हैं। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को ऐसे रखेंगे। और ये जो है इनको फिट करेंगे। नट बोल्ट वगैरह सारा सब कुछ मशीन के साथ ही मिलता है आपको। Thank you.
थोड़ा टाइट कर लो दूसरा पहले और 18 में इसका चाहिए नहीं लगे पहले क्या दूसरा बने नॉर्मल टाइट करना है अभी तो थोड़ा सा ही उठाना है लाल वाला जो है ना लाल वाला ढीला कर पूरा तो ढीला है ले गाड़ी में बैठा दी तो बीच ढीला करो ये जो है प्रॉपर तरीके से बैठना चाहिए ये आप देख सकते हैं नीचे से एकदम सही है फिर स्टैंड के नीचे से वजन रखना है जो भी सामान आप जितना भी सामान उठाना चाहते हो उनसे डबल वजन रखना है ताकि इन फ्यूचर कभी भी कोई भी तकलीफ ना आए वैसे तो 200-300 केजी रखते हैं तो भी चलता है बट जितना ज्यादा रखेंगे उतना अच्छा है पूरा बन के रेडी है ये थोड़ा लेवल में नहीं है अभी थोड़ा पीछे में ये भी तुम्हें और पूछे थोड़ा सा Thank you.
बोर्ड है इसको चालू करने वाला? नहीं जा, आपको बोर्ड लेके मशीन है कि नहीं भेजा? पत्थर लेके आना, नहीं नहीं निकल जाएगा, रुक। बोर्ड में लगा ले गया, बोर्ड में लगा के फोन चालू कर, चालू करना छोटू इधर आके मशीन पर कर रहे अभी पकड़ना है भाई। मंकी क्रेन पूरी इंस्टॉल हो चुकी है, आप सबने देखा किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। अभी चेक करेंगे कितना वजन किस तरीके से उठाता है। अभी हमारे पास ट्रोली वगैरह तो अभी अवेलेबल नहीं है फिलहाल, तो एक काम करते हैं ये रील उठा के देखते हैं। अभी ये रील का वजन कितना होगा भैया, इनका वजन कितना होगा चेक करो ना। हाँ करवा दो, हाँ ठीक है, चलो इतना वजन चेक करो। क्या अगर बांध दूंगा ना भारी वाला तो मशीन पर भी मर जाएंगे, उसको फिक्स नहीं है ना। ओके ठीक है।
इसको मूवमेंट कैसे करते हैं वो जरा दिखाओ। नहीं नहीं, ये जो है बूम कितना 360 डिग्री घूमता है। हाँ, सामान को ऊपर उठाओ और फिर घुमाओ। हाँ, इनके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से ढीला करना पड़ेगा, इनको लूज करना है। हाँ, okay. अभी टाइट है, पहले उठने दो, माल उठाओ। ये सामान आपका ऊपर तक आ गया नीचे से, ढीला होगा, फिर इनको लूज करना है। ढीला हो गया, अभी घुमा देंगे। अभी ये घूमेगा, घुमा घुमा। ये देखिए, ये आपका बाहर से अंदर तक मटेरियल आ सकता है। ओके, फिर यहाँ से टाइट करना है। हो गया टाइट। ओके, चलो डाउन कर दे भाई। इसमें कोई ऐसा फंसा के रख ना सामान, कुछ इन कप्पा ले लो ना। ये बस ट्रॉली भी फंसा लोगे तो भी मतलब ये वायर को टाइट करना चाहिए, बस थोड़ा उठा के छोड़ दे। ये सब पार्सल हटा देना, बराबर डिस्कार दो। हो गया